मुजफ्फरपुर में डंपर से कुचलकर युवा क्रिकेटर की मौत। खेल का लौटने के दौरान हुआ दर्दनाक हादसा। होली में छुट्टी मिलने पर आया था घर। मुजफ्फरपुर में बुजुर्ग की पीट पीट कर हत्या। दो पक्षों के बीच बकरी का विवाद सुलझाने गए थे, मिलकर लाठी डंडे से पीट कर मारा। बगहा में आधी रात लगी आग। 5 घर जलकर आग। 10 लाख की संपत्ति का नुकसान। खाने के लिए अनाज और पहनने के लिए कपड़े भी नहीं बचे। नजदीक चुनाव के समय आरजेडी ने उठाई बड़ी मांग। पंचायतों को कर लगाने वसूलने का अधिकार मिले, इससे जनता की समस्याएं मिटेंगी, आर्थिक विकास होगा। गर्मी बढ़ने लगी है, चमकी से रहे सावधान। बच्चों में तेज बुखार या बेहोशी दिखे तो फौरन डॉक्टर को दिखाएं। तेज धूप में जाने से रोकने रखें खास ख्याल। मां पगला मुखी मंदिर के महंत अजीत कुमार का निधन। मुजफ्फरपुर में मंत्री सांसद समेत संत समाज ने जताया शोक। भक्तों की भीड़ के बीच नहीं खुले मंदिर के पट। बेतिया में सड़क हादसे में 3 की मौत। शादी समारोह से लौट रहे थे तीनों, पीछे से ट्रैक्टर ने बाइक को मारी टक्कर। शहर में क्षेत्र में रहने वाले शिक्षकों को हाउस रेंट अलाउंस। शिक्षकों को आवाज भत्ता देने से जुड़ा कंफ्यूजन दूर। शहरी क्षेत्र से 8 किलोमीटर के रेडियस वाले शिक्षकों को मिलेगा HRA। प्रचंड गर्मी के बीच बिहार में बारिश का अलर्ट। 25 किलोमीटर की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। 30 मार्च को हल्की बारिश दिलाएगी, गर्मी से मिलेगी राहत। NITTR ने निकाली वैकेंसी। ऑफिस असिस्टेंट प्रोजेक्ट एसोसिएट समेत 10 पदों पर निकाली पर भर्ती। जानिए कहां और कैसे करें अप्लाई। सीतामढ़ी के 8000 लोग आज भी चार पहिया वाहनों से अनजान। 8 महीने रहते हैं घर में बंद। मुख्यालय जाने के लिए 4 दिन करते हैं तैयारी। बेगूसराय में ट्रैक्टर पलटने से एक व्यक्ति की मौत। अनियंत्रित होकर गड्ढे में पलटा ट्रैक्टर। मालिक की मौत, चालक फरार। सिवान शहर के प्रसिद्ध काली मंदिर से मुकुट की चोरी। रात में मेन गेट का ताला तोड़ की वारदात। अन्य सामान भी ले गए। मरने से पहले बताया शराबबंदी का सच। भागलपुर में युवक बोला मैंने शराब पी थी, 3 घंटे बाद मौत। प्रशासन डाल रहा पर्दा। कैमूर में हादसा, 2 महिला की मौत। फसल कटनी के लिए जा रही थी दोनों, तेज रफ्तार बाइक ने मारी टक्कर, दोनों की जान गई। अब डैमेज कंट्रोल कर रही बीजेपी। जीतन राम मांझी से मिले संजय जायसवाल। ऑल इज वेल कहा मांझी, चुनाव प्रचार करने जाएंगे वो जहां। बहन की शादी के लिए मंगाई शराब, दो भाई गिरफ्तार। ग्रेजुएशन का स्टूडेंट यूपी से ला रहा था खेप, कहा पिता की मौत के बाद चलाना था घर। बहन की डोली से पहले उठी भाई की अर्थी। बेतिया में बारात लौट रहे 3 दोस्तों की सड़क हादसे में मौत। कहा करते थे साथ जिएंगे साथ मरेंगे। पीएम प्रणाम पर आरजेडी का पुष्पा स्टाइल वाला पोस्टर। लालू बोले झुकेगा नहीं। नीतीश कह रहे कुर्सी के लिए कुछ भी करेंगे। मुंगेर में गंगा में डूबकर सीआरपीएफ जवान की मौत। माँ गंगा को स्नान कराने लाया था, गहरे पानी में जाने से डूबा। 6 महीने पहले हुई थी शादी। नवादा में जेडीयू की महिला प्रदेश महासचिव SC ST केस में अरेस्ट। कहा झूठे मामले में फंसाया सीएम को भी दिया था आवेदन, नहीं हुई कार्रवाई। वैष्णो देवी दर्शन के लिए गए व्यवसायी के घर चोरी। नालंदा में 5 लाख कैश और 15 लाख के जेवर ले गए चोर। तीर्थ यात्रा पर गया था परिवार। गोपालगंज में यूपी की कार से मिली 3 करोड़ कैश। लखनऊ के व्यवसायी के थे रुपए लेकर जा रहे थे सिलीगुड़ी। औरंगाबाद में दो पक्षों के बीच जमकर चली लाठी। जमीनी विवाद को लेकर हुई मारपीट, आधा दर्जन जख्मी। जहानाबाद पुलिस ने बरामद किया 100 कार्टून अंग्रेजी शराब। कंटेनर के तहखाने में रखा था शराब। झारखंड से पटना लाया जा रहा था खेप। समस्तीपुर में पूरा परिवार शराब के धंधे में जुटा। पति शराब मामले में है बंद। पत्नी शराब के साथ धराई। 3 बेटी भी बिक्री करने में करती है मदद। मधेपुरा में जाप कार्यकर्ताओं ने फूंका पेट्रोलियम मंत्री का पुतला। गैस और पेट्रोल के बढ़ते दाम पर जताया क्रोध। बोले अच्छे दिन की लूट ने लोगों का बजट बिगाड़ दिया। बेतिया में लापता लड़की का शव मिला। घर का सामान खरीदने निकली थी, अर्धनग्न अवस्था में पोखरे से मिली। परिजनों ने दुष्कर्म के बाद हत्या का लगाया आरोप। पटना में जुए के अड्डे पर पुलिस की छापेमारी। दानापुर के एक अपार्टमेंट में चल रहा था कारोबार। 6 लाख रुपए के साथ 16 गिरफ्तार। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।